यूक्रेन युद्ध को करीब 3 महीने होने को आए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भीषण हमला कर रहे हैं। इस जंग में रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। इसके बावजूद कोई भी देश हार मानने को राजी नहीं है। ऑनलाइन शेयर की जा रही एक तस्वीर में दिखाया गया है कि रूसी सेना 2S4 टायल पैन 240 मिलीमीटर मोर्टार का इस्तेमाल कर रही है। 2S4 टायल पैन दुनिया का सबसे बड़ा लेजर गाइडेड मोर्टार है। रूसी सेना इस मोर्टार के जरिए यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियोपोल में अजोवस्टल स्टील प्लांट पर हमला कर रही है। ये मोर्टार जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी सुरंगों में छिपे हुए दुश्मनों को ढेर करने में सक्षम है। आपको बता दें कि 2S4 टायल पैन मोर्टार को SA-4 गनेव सरफेस टू सरफेस मिसाइल के मॉडिफाई किए गए चेचिस पर फिट किया गया है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड है जिसमें बाकी मोर्टार की तरह ऊपर से गोले डालने के लिए सैनिकों की जरूरत नहीं होती है। इस मोर्टार को पहली बार 1975 में सोवियत सेना में शामिल किया गया था। इस मोर्टार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे ऑपरेट करने के लिए 9 लोगों के क्रू की जरूरत होती है। इनमें से 4 लोग मोर्टार के चेचिस के अंदर बैठे रहते हैं और 5 अन्य दूसरी गाड़ी में उसके पीछे चलते हैं। वहीं अगर सामान्य मोर्टार की बात की जाए तो उसे 2 से 3 जवानों का दल आसानी से ऑपरेट कर सकता है। टायल पैन मोर्टार भारी राउंड इस्तेमाल करने के कारण कम दूरी तक ही मार कर पाता है। इतना ही नहीं, इससे 1 मिनट में एक ही राउंड फायर किया जाता है। 2S4 टायल पैन मोर्टार में आमतौर पर 108 किलोग्राम या 226 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव राउंड को फायर किया जाता है। इसमें एक रेंज बढ़ाने वाला एक्सटेंडेड रेंज बूस्टर लगा होता है। ये मोर्टार स्टैंडर्ड गोला बारूद के साथ लगभग 9.5 किलोमीटर और रॉकेट असिस्टेड गोला बारूद के साथ 17.7 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में 2S4 के लिए एक लेजर गाइडेड राउंड को विकसित किया था। उस राउंड को स्मेलचक का नाम दिया गया था, जिसकी अधिकतर सीमा 9.2 किलोमीटर की है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि वायरल हो रही तस्वीर में दिखाया गया है कि एक गोला कथित तौर पर अजोवस्टल कंपाउंड में दागा जा रहा है। तस्वीर से स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि ये लेजर निर्देशित स्मेल चेक है जिसे 2S4 टायल पैन मोर्टार से फायर किया जा रहा है। इसका आकार 2S4 के लिए अनगाइडेड गोला बारूद की तुलना में पूरी तरह से अलग है। स्मेलचक को मूल रूप से एक फॉरवर्ड आर्टिलरी ऑब्जर्वर के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2S4 टायल पैन मोर्टार का इस्तेमाल सोवियत अफगान युद्ध, इराक ईरान युद्ध, पहला और दूसरा चेचन युद्ध, सिराई गृह युद्ध और डोनबास के युद्ध में हो चुका है। वर्तमान में रूस, सीरिया और यूक्रेन की सेना इस मोर्टार का इस्तेमाल करती है। रूसी सेना में इसकी 10 यूनिट एक्टिव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने टायल पैन मोर्टार के 410 राउंड को अपने हथियारों के गोदाम में इनएक्टिव रखा हुआ है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।